बारिश देख सकते हैं, बारिश लगना स्टार्ट हो गया है और आज का मौसम इतना अंधेरा हो रहा है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो जी, इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। दिन के 1:30 बजे से, मतलब 2 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान, आप सभी का एक बार फिर से देवभूमि केदार घाटी किन सुंदर राज्यों से। और आशा उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग मतलब आप फिर से गांव में शादी है, वैसे अभी जा रहा हूँ मैं, बरात भी चली गई, तो मेरे से जितने भी बन पाएगा 1-2 क्लिक मैं ज़रूर बनाऊँगा प्रिया की शादी का ब्लॉग, मतलब जितना भी बन पाएगा मेरे से, क्योंकि प्रिया मेरी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर है और हर वीडियो देखती थी। तो प्रिया ने बोला मेरी शादी का भी ज़रूर बनाना जितना भी बन पाएगा। वैसे गाँव में ये होता कि काम करना होता है, इधर उधर तो टाइम नहीं मिलता है, और जितना भी बन पाएगा। अभी तो मैं घर हूँ और मैंने जल्दी आना है क्योंकि दुकान में भी रहना है। तो चलो, अभी हूँ मैं अपने छत से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बाकी चलो अब चलता हूँ मैं जहाँ शादी हो रही है। तो चलो चलो बने, और जो शादी है गाइस, जो सबसे आगे, मतलब पंधेरा पार बोलते वहाँ, बहुत आगे है शादी। बाकी कोई तो खाना खाने के लिए बैठ गया क्योंकि बारिश है आज भयंकर वाली। तो चलो श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा आगे। मैं उस लोकेशन पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है खाना और यहाँ पे बनता है पूरे गांव वालों को खाना, ये देख सकते हैं इस तरह से। और गांव वाले कुछ यहाँ बैठे के हैं, इस तरह से पंडित जी देते हैं गांव में, तो आप देख सकते हैं गाइस। तो ये हमारे गांव वाले, ये कुछ मेहमान हैं और कुछ गाँव वाले, आगे देख सकते हैं आप। अभी दिखाता मैं सबको, ये देख सकते हैं गाइस, इस तरह से बैठ कर खाते हैं खाना। तो ये देख सकते हैं। सो गाइस, अभी आ गया मैं खाना खा के नीचे, और जो मतलब वहाँ पे अभी मौसम देखा होगा कैसा था। तो मैंने पहले बोला कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है। बाकी अभी आ गए मैं जहाँ पे शादी हो रही है उनके घर पे, और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हो रही शादी नीचे। ये है मेहमान उनके, शाली जी शायद है देखा, तो शाली जी नहीं देख रहे हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, और ये इसके जस्ट नीचे पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे गांव की सबसे प्यारी लोकेशन, और यहाँ पे ये है स्नोपोर्ट। तो बाकी अभी वहाँ पे मतलब तो अभी वहाँ पे अंदर पूजा हो रही है, जो दुल्हा दुल्हन की होती है, तो वो मतलब जयमाला के बाद वो वाली पूजा हो रही है, धुई अर्घ कुछ इस तरह से बोला जाता है। बाकी बाकी को तो आप पहचानते होंगे, हर ब्लॉग में देखते होंगे। और आपका नाम? रोशनी रावती है, बनवाड़ी से, बनवाड़ी ना, तो हमारे न्यू सब्सक्राइबर बन गए आज से, तो हमेशा वीडियो देखना ठीक है। तो ये है बनवाड़ी से तो रावत जी। तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं मौसम बिल्कुल खुल गया, अभी अभी तक कितना अंधेरा था। तो चलो, इसके बाद होगी अभी बेदी, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। चलो ये देख, तो गाइज अभी आ गए मैं जहाँ पे शादी हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहस चल रही है कि दगड़ उतड़े में, तो इस तरह से सालिया अपने ससुर जी से पैसे मांग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, मतलब ये रिवाज अभी तक बहुत मज़ा आते है यहाँ पे, ये वाला मोमेंट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बहुत बहसबाजी के बाद
पैसे दिए जाते हैं। तो बाकी आप बने रहे सात फेरों के सात वचनों के साथ। तो चलो तो गाइज अभी बेदी के बाद आ गए मैं गोदान पे, जहाँ पे गोदान होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा दान माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो बाकी आप बने रहें ब्लॉग पे। चलो तो शादी के सबसे बाद की रस्म होती है ये। इसके बाद से जब विदाई होती है इसको बोलते हैं ससप्योट। इसमें ना जो दूल्हे राजा है वो अपने सासों के पांव धोते हैं, तो इस तरह से उनको शगुन देता है। मैं शगुन में कुछ लिफा कर और फिर लिफा कर सास अपने जवाई को देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये परंपरा अभी तक चली आती है। तो इसके बाद से जब विदाई होती है। तो चलो आप बने रहें ब्लॉग पर कंटिन्यू।
अभी तो एक लड़की के लिए सबसे मतलब हैंड मूवमेंट होता है विदाई का, और बहुत ही रोना आता है इस तरह से। आपने देखा होगा किस तरह से मतलब एक लड़की के लिए बहुत वो रहता है। बाकी फिर जाके शादी का ब्लॉग कितना भी बना आपने देखा होगा, अभी मैं आपको ब्लॉग बीच में दिखाता रहूँगा जब रोड तक। तो इस तरह से मतलब गाँव वाले पूरे गाँव वाले फिर में आते हैं लड़की की शादी में। तो अभी मिला मेरे को फ़ोन, मैं अभी तक घर पर था तो मैंने किसी के पास दे रखा था मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। तो बाकी देख सकते हैं गाइस, तो राखी भी हो गई एक दिन ऐसे ही भी था। ये गाइस राखी को अभी से रोना आ रहा है भयंकर वाला। तो बाकी देख सकते हैं कोई रोड में पहुंच गए, तो चलो यहाँ से कैब चल करते हैं हम सब। पहुँच गए हम रोड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मतलब जो भी बारात आती है यहीं पे तक आती है। बाकी देख सकते हैं पूरे मेरे आज बहुत सेट हो गया है कोई फिर। बाय। सो गाइस फाइनली आ गए हम बारात भेज कर घर, और अभी मतलब विदाई। अभी टाइम कितना हो रहा है इस घड़ी पे, मतलब 6 बजने वाले हैं, 6:30 बज गए। तो बाकी बहुत ही सैड मोमेंट रहता है जो विदाई वाला रहता है, और मैं इतना रोया ना, इतना रोया, मैं बहुत रोई, कायदी बहुत रोई है। तो ये है, ये है आने वाली पीढ़ी, रोने वाली पीढ़ी। नहीं ये चले गए, अब यहाँ है ना। तो बाकी गाइस इस ब्लॉग को इसी रास्ते में एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। उम्मीद तो ऐसे ही है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। ओके बाय 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 गाइस। एन की बाय करो। घर छोड़ के बेटी पिया घर जाने लगे, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है विदा जुदा ही है। मत रो मत रो मत रो बेटी इतना।